कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू वालों निजी केबल ऑपरेटर खिलाफ करोड़ों के घोटाले के खुलासे से सियासत जारी है। पिछली अकाली बीजेपी सरकार से चुके सवालों से तिखे प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। इस बारे साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि जेकर किसी ने गुनाह किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहती है। तो उधर मलोट पहुंचे डिप्टी स्पीकर अजय सिंह पट्टी ने कहा कि इस मुतलक कार्रवाई जरूर होगी पर कानून के मुताबिक। जिहड़ा भी को माड़ा काम करदा है ओहदे खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो फास्ट वे चाहे पीटीसी है जी। कोई होवे इहदा की है जी केबल माफिया का मुद्दा परसों तुसी सारे ने सुनिया ते सरकार दे विचार अधीन है, सरकार इहदे ते कोई ना कोई फैसला लेके हाँ ते चाहे साढ़े कोल आए ही है, 3 दिन हुए है, 3 दिन दे विच तां मैं कुछ नहीं कह सकता। मोहाली दे फेज 11 दे LIG फ्लैट्स ते गैर कानूनी कब्जा हटवाउण गई गमाडा दी टीम नूं लोकां दे विरोध दे चलदिआं खाली हाथ वापस मुड़ना पिया है। सरकार ने 400 मकान 1984 दे सिख कतलेआम पीड़ितां नूं अलॉट किए सन पर 42 मकानों में गैर कानूनी तरीके दे नाल लोकां ने रहण दी लोकां ने उत्थे कब्जा कर लिया अजिहा किया जा रहा है। जिन्हां कब्जियां नूं हटाउण की कार्रवाई हाई कोर्ट के हुक्मां दे बाद शुरू की गई पर इन्हां 42 परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो इन्हां दी मंग है कि वो पिछले लगभग 30 साल तो इत्थे रह रहे ने ते हुण उन्हां नूं परेशान कर रहा किया जा रहा है। है जी आपां तां चलो यही कहने सरकार जिहड़ी भी है मकान जिहड़े 42 हैगे सारिआं नूं ही किसी नूं भी बेघर ना किया जाए चाहे जो भी है तो पहले ही बेचारे दुखी ने होर ना दुखी किया जाए। सानू 30-35 साल हो गए जी रहिंदिआं नूं, मेरा बचपन मैं पैदा इत्थे होई हां, मेरा विआह इत्थे है, मेरे बच्चे उरे वड्डे होए आ, मैं खुद दुखी हो गया, कल सारा दिन उत्थे घूमती फिरती रही हां, किसी दा भी दिल नहीं करूगा सर घर खाली करन दा। खाली इस जिहड़ा 33 साल पहलों जो जुल्म होया सीगा वो दोबारा असीं उही जख्म खुरेद रहे हां ਉਹੀ ਕੁਰੇਦ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਮ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜੂਗੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ IRB ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ IRB 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ 2014 'ਚ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 201-120 ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2012 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਈ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜੂਆ ਰਾਸ਼ੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਮੀਡੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਾਇਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ
जज बनने की खबर जिमें ही उन्होंने घर पहुंची, जश्न शुरू हो गया तो बलविंदर के सहरे घर जगतपुर में भी खुशी का माहौल है। ये खुश नसीब लोग ने जिन्हों के नौ ने देश ही नहीं बल्कि विदेश भी अपनी कामयाबी का झंडा लहराया है। ये है नवा शहर का पिंड जगतपुर। इस परिवार च खुशी की लहर है, बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है, लोग मूँह मिठा करवा रहे हैं। तो इसका कारण है इस परिवार की नौ बलविंदर कौर शेरगिल। भारतीय मूल की बलविंदर कौर शेरगिल कनेडा सुप्रीम कोर्ट की पहली अमृतधारी सिख महिला जज बनी है। बलविंदर चार साल की उम्र च पहली बार कनेडा आई सी, इत्थे उन्होंने कानून की पढ़ाई की। कनेडा च वो अपने पति एक बेटी और दो बेटिया के नाल रहिंदी है। बलविंदर कौर शेरगिल कनेडा च सिखा के मुद्दे चुकती रही है। बलविंदर 2002 तो 2008 तक हेल्थ अथॉरिटी की डायरेक्टर नैशनल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ सैक्शन का हिस्सा भी रह चुकी है। बलविंदर कौर लिबरल पार्टी के वलों MP की चोन भी लड़ चुकी है, पर बलविंदर कुछ वोटा के फर्क न हार गई सी। बलविंदर जलंधर के पिंड रोड़का कला की रहन वाली है, पर उसका सौरा पिंड जगतपुर है। नौ ने देश ते सिख कौम का नाम रोशन किया है, लिहाजा पिंड च जश्न का माहौल है ते हर किसी के चेहरे ते मुस्कुराहट है। बलविंदर कौर जी मेरी नौ लगती है, वो बहुत अहदे दे उच्चे ते उच्चे अहदे ते गई, जज बन गई, सानू बहुत खुशी हुई, साडे परिवार का उच्चा नाम किया, बहुत ज्यादा खुशी हुई सानू, साडे पिंड दा जगतपुर दा, सानू आले दुआले दे बधाइयां देण आउंदे लोक। मैनू खुशी आ माण आ कि साडे पिंड दी बलविंदर कौर शेरगिल जिन्हां ने कनेडे की धरती से सुप्रीम कोर्ट की जज बन का माण हासिल किया आ, पिंड जगतपुर दे विच ते पूरे इलाके दे विच पूरा खुशी का माहौल आ। 47 साल की बलविंदर कौर ने कनेडा च मनुखी अधिकारां दी रक्षा दे लई काम करदे होए कई मामले नूं अदालतां च वधिया तरीके दे नाल पेश कीता है, ते उन्हां दे शानदार कम्मां दे चलदे ही अज उन्हां नूं इक नवां मुकाम हासिल होया है। नवां शहर तो जोवनप्रीत सिंह दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया।